हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एक्सपेरिमेंट्स। और आज आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक थर्मोकोल लिया है। थर्मोकोल का एक पीस मेरे पास है और सामने जो आप देख पा रहे हैं एक फेविकॉल का गम है, एक फेविगम है, यहाँ पर एक डेंड्राइट है और यहाँ पर मैंने लिया है फेविक्विक। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस गम का इसके ऊपर क्या असर होता है। तो हम पहले शुरू करेंगे फेविकॉल से। चलिए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं पहले लूँगा फेविकॉल को और फिर इसमें से थोड़ा सा इसमें डालेंगे और देखेंगे कि इसका ऊपर क्या रिएक्शन करता है। तो चलिए पहले इसको डालते हैं। यह देख पढ़िए, मैं इसमें इसको डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको इसमें रब करने के बावजूद भी ये कुछ नहीं हो रहा है, यानी इस थर्मोकोल के ऊपर फेविकॉल का कोई असर नहीं है। देखिए ये जैसा है ऐसा ही है। तो चलिए इसको पलट देता हूँ और फिर इस तरफ हम ये फेविकॉल से अब शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास फेविकॉल, मैं इसको डाल रहा हूँ अभी इस पोर्शन में। को डाल दिया। देखिए इसका भी इसमें कोई असर नहीं है और होगा भी कैसे, दोनों तो भाई भाई है ना, फेवी कॉल और फेवी गम, कोई फर्क नहीं। तो ये देखिए इसका इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, ये बिल्कुल जैसा था ऐसा ही है। तो अब हम ट्राई करेंगे डेंड्राइट से। चलिए हम डेंड्राइट को ओपन करते हैं। पता नहीं क्यों जब भी डेंड्राइट ओपन करता हूँ इस तरह से बबलिंग करता है। चलिए यहाँ से हम इसको पूरी तरह से लाइन की तरह देते हैं। वाह अमेजिंग। अब देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे ही मैंने इसमें डेंड्राइट दे दिया, इसमें किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि इसको एसिड खा रहा है। ये देखिए मैं नज़दीक से थोड़ा सा और आपको दिखाई दे, नज़दीक लेके आया। देखिए इसमें किस तरह से बबलिंग हो रहा है और कि किस तरह से थर्मोकोल को पूरा खा रहा है। ये देखिए इसका लेवल जो था ये करीब इस तरह का था, आप शायद अभी देख पाएंगे कि इसने किस तरह से इसको पूरी तरह से खोखला कर दिया। ये देखिए, और जितना देर इसका असर रहेगा उतना देर इसके साथ रिएक्ट करेगा और इस तरह से इसको खाता रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और फिर हम ट्राई करते हैं फेविक्विक से। तो इसके लिए मैं दूसरा एक थर्मोकॉल ले रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने एक नया टुकड़ा लिया है और इसको ही इस तरह से छोड़ देता हूँ ताकि ये अपना रिएक्ट करता रहे और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि कितना इसको खा गया है। और अब हम देखेंगे फेविक्विक का इसमें क्या असर होता है। तो ये हम इसमें इसको डाल रहे हैं। इसको थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ और आप देख पाएंगे कि इसमें मैं ड्रॉप ड्रॉप करके ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए मैं इसको भी सेम अमाउंट इसमें पूरा तक ही मैं इसको डालूंगा जैसे मैं डिनर के साथ किया था। तो मैं पूरा डाल दिया। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कि इसने भी ऐसा ही डिनर की तरह ही इसने रिएक्ट किया, पर इसका रिएक्शन इतना तेज नहीं जैसे डिनर ने किया है। मैंने सोचा था कि फिर ज़्यादा असर करेगा क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग गम है, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी आप देखिए कि इसने इसका अभी तक इसका रिएक्ट हो चल रहा है और ये कितनी आसानी से इसको पूरा खा गया। ये देखिए तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगली बार कोई और एक्सपेरिमेंट लेकर आएंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा एंड बाय।